हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्कआउट बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ केबल से करेंगे। केबल से ही आप अपने पूरे चेस्ट का कंप्लीट वर्कआउट कर लोगे। और केबल से वर्कआउट करने का फायदा क्या, क्यों हमें ये करना चाहिए? केबल के साथ फर्स्ट बेनिफिट जो है, कॉन्टिन्यू मसल्स के ऊपर टेंशन बनी रहती है। बार बार पे जब आप बेंच प्रेस कर रहे थे, जैसे जॉइंट लॉक होता है आपके जॉइंट के ऊपर से, मसल के ऊपर से लोड हट जाता है तो सारा जॉइंट लोड ले लेते हैं, तो आपके जॉइंट्स के लिए सेफ नहीं है। केबल सेफ भी है, अगर किसी को इंजरी है कोई तो इनडायरेक्टली आप मसल को लोड दोगे। तो बेसिकली केबल का जो वर्कआउट होता है आइसोलेशन के लिए यूज हो रहा है, बट यहाँ पे हम कंपाउंड मूवमेंट्स भी करेंगे और आइसोलेट भी करेंगे। दोनों 8 से 10 रेप वेरिएशंस में आपको इस वर्कआउट में दिखाऊंगा, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो कैसे उनमें कॉमन एरर्स हो सकते हैं, कैसे आप उनको जो एरर हो सकते हैं उनको कैसे रोक सकते हो, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो, जो नॉर्मली जब भी हम करते हैं उनके साथ होते ही होते हैं। केबल की सही फॉर्म क्या है, कहाँ पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए, किस एंगल पे आप उसको हिट करोगे, दैट्स व्हाई। सो एवरीथिंग इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे फर्स्ट वेरिएशन जो हम करने जा रहे हैं वो है डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। जो डंबल से हम डिक्लाइन बेंच के ऊपर ट्राई करते हैं, तो वो सेम चीज हम केबल के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो ग्रिप ऐसे रहेगी, आपने आगे मूव नहीं होना, सेम लोकेशन पे केबल आपको बैक से ऊपर रहेगी एंड उसी पे आपने ग्रिप करके, सो इसका जो रेंज ऑफ मोशन रहेगा ठीक लाइक दिस, ठीक है, इस तरह ठीक नीचे प्रेस करना है। एंड जो आपकी ग्रिप पे उसकी लोकेशन एंड केबल की लोकेशन ठीक ऐसी रहेगी, जो वेट है सिर्फ आपका फोर्स जो पुश करेगा वो आपकी एल्बो में जाना चाहिए। सो आप फोकस रखो, आपका माइंड जो रहेगा वो इसी वे में रहेगा, आप एल्बो से प्रेस कर रहे हो। सो केबल के साथ एल्बो टच रहेंगी दोनों एंड पे आगे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना दिस वे। एंड नेक्स्ट इसी की जो फ्लाई वेरिएशन है उसमें सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, आइसोलेशन हो रही है दिस वे। तो ये डिक्लाइन के लिए सेकंड वेरिएशन थी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके डिक्लाइन और मिडल पार्ट के लिए, तो ठीक यहाँ पे केबल की पोजीशन जो रहेगी, यूजली क्या होता है या तो लोग ऐसे करते रहते हैं केबल रिस्ट कहीं और जा रही है, एल्बो कहीं और जा रही है, आप जो आपकी केबल है एल्बोज उसके आर्म्स उसके साथ टच रहेंगी लाइक दिस। तो जो लोड है रिस्ट के थ्रू आपकी एल्बो में जाना चाहिए। सेकेंड वेरिएशन इसी की फ्लाई दिस वे। तो आप देख सकते हो केबल की लोकेशन कहां जा रही है। ज्यादातर लोग इसमें एरर करते हैं, या तो केबल ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही है, ज्यादा डीपर एंगल ले जाते हैं। तो हम लोअर एंड मिड पार्ट के लिए इसको हिट कर रहे हैं दिस वे। लोअर मिडल सेक्टोरियल के लिए ये हो गया। देन आपको जो केबल की लोकेशन वो थोड़ा डाउन करनी होगी, सेम थिंग प्रेसिंग फ्लैट प्रेस जैसे हम करते हैं। तो अब मेक श्योर आपका जो शोल्डर है वो स्टेबल रहे। कुछ लोगों के जब आगे ले गए तो शोल्डर आगे, बट शोल्डर आपने हमेशा स्ट्रेट रखना है, स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके जस्ट इतनी मूवमेंट होगी, ज्यादा आगे आने की कोशिश नहीं करनी। चेस्ट अप रहेगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे ही आप ब्रीथ करोगे, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। सो ये फ्लैट बेंच की है वेरिएशन है, फ्लैट फ्लाई फ्लैट प्रेस हो गया, देन इसके बाद फ्लैट फ्लाई, बॉडी स्ट्रेट है बिल्कुल, केबल रिस्ट एंड एल्बो तीनों एक लाइन में रहे। तो इसकी भी 12 से 15 रेपिटेशन आप कर सकते हो। जब आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आपका ट्राइसेप्स भी यूज आ रहा है, जितनी प्रेस है उसमें थोड़ा आप हैवी जा सकते हो, बट आइसोलेशन में वेट कम करके, बट उसमें लाइट वेट के साथ रेपिटेशन के ऊपर फोकस रखना, बट लोड कितना दे रहे हो मसल के ऊपर वो ऑलवेज कैरी करेगा, वेरी करेगा। सो एंड थर्ड वेरिएशन
मोस्ट ऑफ लोगों का क्लेविकल हेड जो अपर रीजन होता है ये पार्ट वीक रहता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मसल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मसल की फाइबर की जो डायरेक्शन है अपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो इस फॉर्म में डायरेक्शन जो फाइबर की है उसी वजह से जब आप हिट करोगे एंगल को तब जाके आपका मसल हिट होगा। तो अपर हेड के लिए क्लेविकल हेड के लिए एक वेरिएशन है, केवल को आप थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लोगे। सेम थिंग प्रेसिंग थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसमें लोअर से अपर की तरफ, केवल आपकी आर्म के साथ टच रहेगी, रेंज ऑफ मोशन जो कंप्लीट करोगे क्योंकि केबल के साथ जब हम कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को हिट करने की कोशिश करो प्रॉपर फॉर्म के साथ। तो ये प्रेस होगी क्लेविकल हेड के लिए एंड सेम वेरिएशन शोल्डर से आप देख सकते हो थोड़ा सा ही नीचे, ज्यादा नीचे नहीं। एंड जब केबल ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो फेस के सामने, बिल्कुल फेस के सामने लेके आना है नीचे से, थोड़ा सा एंगल नीचे एंड ऊपर फेस के आगे। तो इसको और हिट करने के लिए तीनों वेरिएशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, तीनों के लिए जैसे हमने फ्लाई की वेरिएशन किए, तीनों में आप बॉडी के क्रॉस करके अगर आप करते हो थोड़ा सा एंगल चेंज करके क्रॉस करो, तो जितना क्रॉस सेक्शन आप अपने मसल को क्रॉस करने की कोशिश करोगे ज्यादा आपके मसल एक्टिवेशन होगी, ज्यादा आपका पेक्टोरल मसल जो है वो एक्टिवेट होगा। सो देख सकते हो सिर्फ एक्सप्लेन करने में ही मसल और बहुत लाइट वेट है, ये कोई हाई वेट नहीं, ज्यादा मैंने नॉर्मल वेट के साथ बॉडी बहुत अच्छा पंप कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है क्योंकि एंगल ऑफ हमेशा मैटर करेगा आप किस वेट को लिफ्ट कर रहे हो और उसके साथ आपके मसल के ऊपर कितना लोड आ रहा है। थोड़ा सा चेंज कर दिस वे, ये भी आपके क्लेविकल हेड के लिए, अपर हेड के लिए, जैसे डंबल्स हम करते हैं तो केबल ज्यादा अच्छी इसीलिए क्योंकि कॉन्टिन्यू टेंशन मसल के ऊपर बनी रहती है, वेट केबल के साथ ज्यादा बॉडी ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स इसीलिए करती है क्योंकि मसल हमेशा टाइम अंडर टेंशन ज्यादा स्पेंड करता है। तो सेम यहां से आप बॉडी क्रॉस करके प्रेस भी कर सकते हो। एंड ये थी कुछ वेरिएशंस जो सिर्फ केबल के साथ थी, आप इनको ट्राई करें और अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके आपको पता चलेगा ये कैसा रिजल्ट देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अप्लाई करने के बाद आपको लगे वर्कआउट अच्छा था तो लाइक एंड कमेंट करके पक्का बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।